दोस्तों जहाँ पर ये पैसा महिला सशक्त कहना चाहूंगी कि आज जैसलमेर जिला बड़े गर्व की बात। आदरणीय जिला कलेक्टर मैडम और पूर्व जिला प्रमुख एवं जिला आयोग सदस्य, आज जो मेन कार्यक्रम हमारा था सिंगल प्लास्टिक यूज का, और इसको हाईजैक कर लिया गया, अच्छा है। जो कार्यक्रम है उसको उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम आप ही कर सकते हो, क्योंकि घरों में जो पॉलीथिन सिंगल प्लास्टिक यूज जिसके लिए हमने कार्यशाला रखी है, घरों में उपयोग करने वाले वो आप ही है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। मात्र सकते हो प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और अंजना जी और चेयरमैन साहब के लिए गुलदस्ता रेशु मैडम, आप उनके लिए आप बैग ले लो। अपने पास दो तरीके के बैग है, एक कपड़े वाला बैग है, बताना कपड़े वाला बैग क्या है। लाइए ना, देखो ये आप सामान रखने के लिए, ये इस जो सेंटर हाउस है यहाँ पे हनुमान चौराहे पे, यहाँ पे इसका स्टॉक रहेगा। आप जिसको भी किराने वाले को, सब्जी वाले को, वेंडर को, फ्रूट वाले को, जिस भी हाउस होल्ड कोई भी है, किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो तत्संबंधित पैसे जमा करा सकता है और ये प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज, एक किलो पॉलिथिन कैरी बैग जमा आपको फ्री में दे देंगे, आप भर के एक केजी कैरी बैग आप ला सकते हो और ये ले जा सकते हो। अच्छा ये बताइए, आप पुराने जमाने में काफी वृद्ध महिलाएं भी बैठे, पुराने जमाने में मैडम ने बताया कि भाई इसको डिग्रेड होने में का मतलब है इसको नष्ट होने में, जो प्रतिबंधित पॉलिथिन है उसको नष्ट होने में करोड़ों अरबों साल लगते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा कई प्लास्टिक की जो पॉलिथिन कर रहे हैं, अभी सभी कर रहे हैं, जिम्मेदार होते हैं। आप सबको पता ही है कि प्लास्टिक जगह जगह घर के आसपास नालियों में, हम मार्केट में जाएं इधर उधर जाएं, हम भी जितनी सिटी राउंड लेते हैं हमेशा कुछ ना कुछ प्लास्टिक का इधर उधर पड़ा ही रहता है। अपने को धीरे धीरे ये मानसिकता में बदलाव लाना है और आपसे ही शुरू हो गए, क्योंकि घर का सब कुछ तो आप ही संभालते हैं, है ना। तो ये अभी आपको पैम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कौन कौन सी चीजें आप बैन हैं, है ना। सरकार ने अब रूल्स और रेगुलेशंस जारी करे हैं, जैसे ईयरबड, अपन जो आइसक्रीम के नीचे जो स्टिक्स होती हैं प्लास्टिक वाली, झंडों के और जो बाकी उपयोग में जो नीचे प्लास्टिक की स्टिक्स लगती हैं, अपने जो चाय पकौड़ों की दुकानों पे ये प्लास्टिक के कप, प्लेट, स्पून, फोर्क सब बैन है, अपने को इस्तेमाल नहीं करना है। प्लास्टिक एक बार इतना समय लगता है और वो तब तक के अपने प्रकृति को कितना प्रदूषित कर चुका होता है उसका अपन आंकलन करें तो अपने को पता चलेगा। तो अपने को प्लास्टिक यूज नहीं करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पे जाना है। अपन सबके लिए 10 रुपए बिल्कुल ज्यादा नहीं है कि हम ये बैग्स परचेज करें, हमें करना है अपन मार्केट जाए, अपने को इसी में करना है। और इसकी भी इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज आ गई हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है और डायरेक्शन भी है, अपने जिले में अपन सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कराएंगे। और आप सब महिलाएं, बुजुर्ग पीछे खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, आप सब इसमें साथ देंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जैसलमेर जिला नंबर 1 जिला हो जिसमें बिल्कुल प्लास्टिक कहीं नजर नहीं है। करेंगे आप सब मेरी मदद, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से का उपयोग नहीं करूँगा और अन्य लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करूँगा। मैं जब भी बाजार जाऊँगा साथ में कपड़े या जूट का थैला लेकर जाऊंगा। यह शहर मेरा सम्मान है और मैं अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान। जय हिंद।
मैडम।